इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 1.1 आई विल यू रिकॉल द कांसेप्ट दैट वी हैव डन था कि एक तो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। अगर मैं आपको याद करवाऊं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था हमारे पास, फॉर ऑल जो है ए बिलोंगिंग टू सेट ए, अगर रिलेशन ए टू ए में हो रहा है तो बेटा ए ए दैट बिलोंग्स टू आर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है अपनी ही रिफ्लेक्शन उस रिलेशन में होनी चाहिए। मतलब जैसे 1 1 2 2 थ्री थ्री होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमने किया था सिमेट्रिक, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बी किसको बिलोंग करता है आर को, ये हमने किया था सिमेट्रिक के लिए। नेक्स्ट हमने करना है थर्ड पार्ट जो दैट इज फॉर ऑल ए बी सी जो है बिलोंगिंग्स टू ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी नॉट सी ए बिलोंग्स टू आर, तब अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती है कंडीशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की, तो बेटा तभी हमारे पास जो है रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। अगर एक भी चीज ट्रू नहीं है तो वो नहीं होता बेटा। ओके जी, अब बेटा उसके लिए हम सबसे पहले जो है क्वेश्चंस करेंगे जो 1-1 मार्क के बनते हैं, और आपको पता चलेगा ये चैप्टर एमसीक्यू टाइप कैसे बन सकते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, रिलेशन आर इन ए सेट ए दैट इज गिवन टू अस 1 2 3 4 सो ऑन 13 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 मेरे पास हो है दैट इज गिवन टू मी, और मुझे बताना है कि डिटरमिन वेदर आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब बेटा देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैं 1 एलिमेंट लेती हूँ, एक्स की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, वाई कितना होना चाहिए मेरे पास 3 आता है, 1 तो नहीं आ रहा। अगर मैं एक्स 2 लेती हूँ वाई क्या आएगा 9, 2 लेती हूँ तो 6, 3 आएगा तो 9। तो बेटा 1 1 2 2 does not belongs to R, so on belong ही नहीं कर रहा, हो ही नहीं सकता क्योंकि y is equal to 3x है, तो कभी भी a a आ ही नहीं सकता, तो बेटा इसीलिए ये reflexive नहीं है। ओके, आपको options दे सकते हैं कैसे, पहली option reflexive but not symmetric not transitive, अगली not symmetric not transitive not reflexive, थर्ड रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो जहां नॉट रिफ्लेक्सिव वाला उनमें से ऑप्शन कोई करेक्ट हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, तो अब उनमें से आगे देखते हैं हम सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक देखूं, सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर 2 मान लो और 6 ये आर को बिलोंग करता है तो बेटा 6 2 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक्स कॉमा 3x है, वाई की जगह क्या लगा सकती हूँ 3x, मतलब जो एलिमेंट इधर है उसका 3 times इधर, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे पास ये ट्रू हो सकता है बट ये ट्रू नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें,
अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया 2 6, अगला 6 18 बिलोंग ही नहीं करता मेरे पास, नहीं आ रहा ना। इस एग्जांपल को ना लू ना, अगर मैंने लिया 1 3 और इधर से 3 और 9 और आंसर क्या आना चाहिए, 1 9। क्या 1 9 आर को बिलोंग करता है? करता है, कैसे करता है? अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो वाई 3 बनता है, तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर ना। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी फिर बी सी और ए सी, ए सी बिलोंग करना चाहिए पर मेरे में नहीं बिलोंग कर रहा, इसका मतलब ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये रिफ्लेक्सिव है। इज इट क्लियर? बात समझ आई कैसे चेक कर रही हूँ? ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल मेरे पास जो है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज रिटन हियर इन द सेकंड। हाँ जी, आर इज अ सेट ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पिछले में सेट ए दिया हुआ, 1 से 14 तक एलिमेंट दिए थे, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है, सच दैट मेरे पास बेटा 1.5 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। यहां पर मुझे कहा है कि ये लेस देन 4 होने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं देख के ही बता देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। रीजन कैसे कि मैंने कैसे मैं देखती हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए y की जगह भी x होना चाहिए, होना चाहिए। अगर मैं x is equal to x plus y करूं, ये कट गया, 0 is equal to 5, ये true ही नहीं होता, नहीं होता ना, तो that means ये reflexive हो ही नहीं सकता। और symmetric, symmetric में क्या होता है, जहां x है वहां y आ जाए, जहां y है वहां x आ जाए। अगर मैं यहां, वो कह रहा y जो है ना वो x से 5 ज्यादा है, सिमेट्री किसी हालत में नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि मैं अगर यहाँ एक्स कर दूं यहाँ वाई, तो वो तो उल्टा हो गया ना कि वाई एक्स से 5 ज्यादा है, वो तो हम ले ही नहीं सकते। समझ आई मेरी बात? तो हम देख के भी बता सकते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, मैंने बता दिया, सिमेट्रिक नहीं है, मैंने बता दिया। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जो है मेरे पास ट्रांजिटिव। अच्छा, एक चीज मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे आप कहते हैं ना ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, फिर आप कहते हो ए सी बिलोंग्स टू आर। मान लो आपने ए सी ले लिया दैट बिलोंग्स टू आर ए बी, लेकिन बी सी को आप चेक ही नहीं कर पाए। जब आप ऊपर वाली दो कंडीशंस चेक नहीं कर पाए तो आप उसको नॉट ट्रांजिटिव भी नहीं कह सकते। ये बात एक चीज दिमाग में रखना, हम ट्रांजिटिव आपको कहते हैं कि तब होती है, ये एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ए बी आर को बिलोंग करे, बी सी आर को बिलोंग करे, आप कहते हो कि अगर ए सी बिलोंग कर दे तो ये ट्रांजिटिव है। मान लो आप इस कंडीशन को चेक ही नहीं कर पाए, यू आर नॉट एबल टू चेक इट, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है ही नहीं। जिस चीज को हम चेक ही नहीं कर पाए तो हम उसको ट्रांजिटिव नहीं भी तो कह नहीं सकते, तो हम उसको ट्रांजिटिव के केस में ही इंक्लूड कर लेते, ओके। क्योंकि ये तो हम मान के चलते हैं ना, जो चीज हम मान के मेरे पास जो है हम चल रहे हैं वो मेरे पास प्रूफ ही नहीं हो रही है, तो मैं उसको नॉट भी नहीं कह सकती, मैं आपको क्लियर कट हूं, तो इसीलिए हम उसको यस ही मान के चलते। आपके पास क्वेश्चन भी आएगा बुक में, देखना। चलो इसी में अगर मैं बात करूं मेरे पास जो है ट्रांजिटिव की क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास ये था ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। चलो मैंने लिया 1
कॉमा सिक्स, एक्स पे कंडीशन लगाई थी ना उसने कि लेस देन फोर होना चाहिए। अब यही पे देखो अगला जो है वो मुझे क्या लेना है यहां पर, व्हाट आई हैव टू कंसीडर, क्योंकि पांच से ज्यादा यहां पर, अगला तो सिक्स लेना चाहिए, सिक्स लेती और इलेवन, बट मैं ये चेक ही नहीं कर पा सकती। क्यों नहीं चेक कर पा रही? क्योंकि उसने मुझे कहा एक्स लेस देन फोर से देना, मैं इसको नहीं ले सकती ना, चेक नहीं कर पा रही, तो मैं इसको ट्रांजिटिव के केस में ही कंसिडर करूंगी। ओके, ये मैं बात कहना चाह रही हूं। इस केस में क्लियर हो गया आपको, पता चल गया सबको, कोई डाउट तो नहीं? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू चेक द सेकंड कंडीशन, जब मैं सेकंड कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर पा रही हूं तो मैं क्या इसको नॉट ट्रांजिटिव कह सकती हूँ? मैं आपको ये कह रही हूं कि मैंने यहां पर देखना है कि क्या मेरे पास हो गए, मैंने देखना है दिल्ली से आगे राजस्थान की टिकट कितनी है, मैं दिल्ली पहुंच के या दिल्ली से राजस्थान पे कौन कौन से फैसिलिटीज हैं, मैं दिल्ली जाऊंगी तो चेक करूंगी, मैं यहां बैठ के कैसे फैसिलिटीज चेक कर लूंगी, है ना? वहां जाऊंगी, सिचुएशन देखूंगी कि वहां की गवर्नमेंट मुझे अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, ओनली देन आई विल चेक। तो इसीलिए मैंने कहा जब हम सेकंड को चेक ही नहीं कर पाते तो आप इसको नॉट ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। ओके, समझ आ गई मेरी बात? चले आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास जो है बेटा थर्ड पार्ट मेरे पास, दैट इज थर्ड पार्ट इज रिटन हियर रिलेशन जो है ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और रिलेशन दिया हुआ है बेटा मेरे पास एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अब यहां पर उसने दिया है कि वाई जो है वो डिविजिबल बाय एक्स, वाई डिविजिबल बाय एक्स है और इनमें से कोई नंबर लेने, आप बताइए अगर मैं एक्स एक्स ले लूं, एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, होता कि नहीं होता? हर नंबर अपने आप को डिविजिबल, चेक करने की कोई जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव तो देख के ही हो गया। अच्छा अब बात करें सिमेट्रिक की, वाई डिविजिबल बाय एक्स है, क्या एक्स डिविजिबल बाय वाई होना जरूरी है? नॉट ट्रू ना, जैसे सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री, ये मैंने y लिया, ये मैंने मतलब 3.6 लिया, तो क्या 6.3 r को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता, सिर्फ सेम सेम नंबर वाले में ट्रू होता है। 3 3 3 डिवाइड 3 3 डिवाइड 3 4 4 डिवाइड 4 5 5 डिवाइड 5, रिफ्लेक्सी में तो आ ही गया, सिमेट्रिक में पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 6 डिवाइड कर रहा है 3 को, लेकिन 3 जो है यहां पर डजंट डिवाइड 6, इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि वो 1/2 आ जाए, तो इसी तो दैट मींस ये नॉट सिमेट्रिक। ओके जी, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ट्रांजिटिव की, लेट अस सी, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हम स्टार्ट करेंगे 2 4 अगर मैंने लिया, ठीक है 4 इज डिविजिबल बाय 2, ओके जो यहां पर है वो यहां 4 लेना, अगला कैसे, वो तो फ्रैक्शन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मैं ले ही नहीं पा रही हूं, आई एम नॉट एबल टू चेक द सेकंड कंडीशन, ये आर बिलोंग करता है, मेरे को पता है यहां पर 8 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 1 4, अगर आप 4 भी ले लो 4 इज डिविजिबल बाय, हम पर मैं बच्चों को कहती हूँ जब भी एग्जांपल लेना है ना ए बी सी हमेशा डिफरेंट लिया करो, आप ऐसे नहीं लेना क्योंकि फिर ये तो बी, ये भी बी हो गया है ना, तो 1 2 4 अगर मैं इससे चेक करूं वो आर है, 2 4 आर है ना, बट अगर मैंने कोई और लेना है, मैंने लेना ही वो है जो ये ट्रू करे, मेरे को पता वो यहां पर सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है 8,
बट एट मेरे सेट में है ही नहीं है, मैं इसको चेक ही नहीं कर पा रही हूं, तो ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा 100% हम मान के चलते, क्योंकि जो कंडीशन मैं चेक कर ही नहीं पा रही, इसका मतलब माइट भी उसने 4 से ले लिया तो 2-4 ये तो चलेगा ही चलेगा ना, डिविजिबल होगा ही होगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए वो यस लेके चलता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉर्मली बच्चे गलती करते। अब पता चला, नॉर्मली बच्चे लिख देते हैं मैडम नॉट, जब तुम सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं कर पा रहे हो फिर सेम लेके देख लो जिसपे सेम ही आएगा, यहां 6 भी लोगे इधर 6 और कोई ले ही नहीं सकते तुम, यहां 6 पे तो ट्रू है ना, तो 2-6 बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, फिर इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिव मान के चलते हैं। ओके जी, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट से मैं चेक ही नहीं कर पा रहा, वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं ना कर रहे, तो मैं सेम ले लूंगी बेटा। बात क्लियर हुई, पक्का चलू आगे? चलिए अब नेक्स्ट, मेरे पास फोर्थ पार्ट देखिए, लेट अस सी द फोर्थ पार्ट। हां जी बेटा, अब मैं फोर्थ पार्ट में देखूं, मेरे पास दिया हुआ है आर जो है रिलेशन इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब खुद सोचो, चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, खुद अपना दिमाग लगाओ, समयंक इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, इधर देखो उसमें क्या देखना, यू जस्ट सी हियर। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताया, क्या बताया मैंने बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या ट्रिक समझाया, हमने 4 पार्ट्स किए हैं, मैंने कुछ बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए ये कर लिया करो, है क्यों है, कैसे पता चला? यस बेटा, हाँ जी, हमने 4 पार्ट्स किए, मैं बार बार कह रही हूं, अभी भी पीछे हमने किया y डिविजिबल बाय x किया था, मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्सिव के लिए आप x कॉमा x चेक करते हो, यानी y की जगह भी x लगा दो, पिछले क्वेश्चन में बोला था x इज डिविजिबल बाय x, बोला था ना, यस yes, वो ट्रू होता है ना, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव था, तो यहां पर भी y की जगह x पुट करो ना, x माइनस x जीरो, जीरो इज एन इंटीजर बन रहा है, यस तो यस रिफ्लेक्सिव है गया बेटा। अब पता चला, सेकंड मैंने क्या कहा था कि हमने सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक के लिए देखो अगर एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रही तो क्या वाई कॉमा एक्स आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर आप एक्स माइनस वाई ले लो तब भी वो इंटीजर रहेगा, y माइनस x कर लो तब भी वो इंटीजर ही रहेगा, ट्रू है ना, हुआ के नहीं सिमेट्रिक, पता चला कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, x माइनस y r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x माइनस y एक इंटीजर है, मैं लैम्डा ले लू, y कॉमा z r को बिलोंग कर रहा है, y माइनस z थीटा ले लू, ये थीटा इज इंटीजर, दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे y नहीं चाहिए होता, जब मैंने ऐड किया तो x माइनस y प्लस y माइनस z लैम्डा प्लस थीटा, लैम्डा भी इंटीजर है थीटा भी इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर y y कैंसल, x माइनस z ये भी क्या आ गया इंटीजर, हमने यही प्रूफ करना था, इसका मतलब x कॉमा z किसको बिलोंग कर रहा है r, देखो पहली दोनों चेक हुई उससे हमने थर्ड निकाली, निकल रही है तो क्या हुआ इंटीजर। ओके जी, मेरे पास हो गए, तो दैट मींस वो मेरे पास क्या हो गया ट्रांजिटिव, दैट मींस दिस इज द रिलेशन विच इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बेटा क्लियर, चले आगे, नाउ
कम टू नेक्स्ट बेटा, अब ऐसे ही मेरे पास जो है फोर्थ फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का। यहाँ पर तो सिंपल पूछा गया है, रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, आपने बताना कि ये कैसी। मैं एक डिस्कस करूंगी, बाकी आप खुद कर सकते हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, है ना। क्या करना है, वाई की जगह क्या लिखना है, एक्स। एक्स एंड एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस, है कि नहीं है। चलो अब चेक करते हैं सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क करता है क्या वाई एक्स करेगा, सिमेट्रिक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव, है ना, एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, वाई जेड वर्क एट सेम प्लेस, तो क्या एक्स और जेड सेम में नहीं करेगा, करेगा ना। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ये लो मैं और सम्यक किसी स्कूल में, सम्यक एंड सारांश किसी स्कूल में, तो क्या मैं और सारांश, क्योंकि मैं ए हो गई सारांश बी सी हो गया, क्या हम दोनों सेम स्कूल में नहीं है ना। अगर मैं नॉर्मल बात करूं कोई और, चलो मैं आपका एग्जांपल लेते हैं, चलो कोई कनुबा और कनुबा की कोई कजन सिस्टर, वो किसी और स्कूल में पढ़ती है, दे वर्क एट डिफरेंट प्लेस, है ना। फिर कनुबा की सिस्टर और मैं, वी वर्क एट डिफरेंट प्लेस, मैं और कनुबा, क्योंकि कनुबा से स्टार्ट किया था ना हमने, कनुबा इज ए आई एम जो सी, तो क्या मैं और कनुबा डिफरेंट प्लेस में काम करते हैं, नो ठीक है ना, ये कोई ट्रू नहीं है। पर पहली दो कंडीशंस ट्रू थी, तो यहां ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ओके बेटा क्लियर, बात समझ आई। क्वेश्चन को जनरलाइज करो और सोचो, कोई एग्जांपल लेके सोचो, अपने आप क्वेश्चन हो जाए, क्लियर। चलो इसके बाकी पार्ट अब आप होमवर्क के, ठीक है जी। लेट अस डू नाउ क्वेश्चन सेकंड, जो मेन यहां पर स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू शो दैट द रिलेशन आर, अब बेटा पेपर में शो दैट तो कभी नहीं आएगा, है ना, वहां पर चेक आएगा, तो चेक के लिए ज्यादा आगे हम बच्चों को बोलते थे शो है ना, तो चुपचाप डेफिनेशन लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि शो कहा है, तो इसका मतलब तीनों चीजें होंगी, रिफ्लेक्सिव भी होंगी, सिमेट्रिक भी होंगी, ट्रांजिटिव भी होंगी, बट यहाँ पर तो एमसीक्यू टाइप है, वो ऐसे ऑप्शन डाल सकते हैं, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, थ्री हैं और उसके बाद कोई एक ऑप्शन फिर नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिए हमें बहुत इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं, व्हाट इज गिवन हियर। अब देखिए आर मेरे पास ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मुझे शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है ना, बिल्कुल नहीं है, और मुझे रिलेशन जो है रियल नंबर में दिया। तो मैं सिंपल सी बात अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव की, ऐसे क्वेश्चन में ना, ये अगर मैं एग्जांपल देखूं, ए ए क्या ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है, कभी नहीं होता, ठीक है। चलो कोई इनमें से एक ट्रू हो जाएगा, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है वन, है ना, तो वन के लिए ट्रू है। टू के लिए देखो, टू ग्रेटर देन टू स्क्वायर ट्रू है, क्यों, टू जो है सॉरी टू लेस देन फोर ट्रू ही है ना, ग्रेटर और इक्वल टू में कोई एक ऑप्शन ट्रू होते। लेकिन अगर मैं लू फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि यहां दिया रियल नंबर वन बाय टू, ये हमेशा छोटा आएगा, जितना नीचे बड़ा उतनी टर्म छोटी। तो जब भी स्क्वायर वाला हो या क्यूब वाला हो, हमारे दिमाग में इतने साल से एक्सपीरियंस सेट है, जब भी स्क्वायर वाला या क्यूब वाला अगर रियल टू रियल है तो वो ट्रू नहीं है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए रिफ्लेक्सिव मेरे पास है ना, क्योंकि मैंने लिया यहां पर इक्वल टू वन, वन वन के लिए ट्रू है, लेकिन टू टू के लिए नहीं ट्रू,
क्या है वो आपने चेक कर लिया पुट करके वैल्यूज यहाँ पर, कि ए टू पुट किया, यहाँ टू का स्केयर फोर, टू इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन आ रही है कि नहीं आ रही मेरे पास, तो इसीलिए। ओके बेटा बात समझ आई, तो वो बहुत फर्क पड़ता है, रियल टू रियल है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स टू इंटीजर्स है, तो आपने यहां पर फ्रैक्शन वाला पार्ट कभी ट्रू नहीं होता, जो न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर वाला। तो ऐसे में हमने एग्जांपल्स भी वही लर्न किए हुए, हमें बिल्कुल याद है क्यूब हो स्क्वायर हो, तो आप हमेशा फ्रैक्शन वाला एग्जांपल आपके लिए हो सके। ऐसे भी तो हो सकता है ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल द रिलेशन इज नॉट ट्रू, वहां दे दे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है ना, रियल नन ऑफ दीज, तो रियल के लिए ये ट्रू नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आ गई, कैसे भी मोल्ड होके क्वेश्चन आ सकता है। ओके चले हम आगे, चलिए। अच्छा अब मैंने आगे शो करना था रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक, कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको पता है अगर 2, 5 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 less than equal to 5 स्क्वायर, ट्रू है ना, है ना, बट क्या 5 आएगा, 5 less than equal to नॉट ट्रू, क्लियर कट जो है सिमेट्रिक ये नहीं है। अब ट्रांजिटिव कोई एग्जांपल ले लो, मुझे पता है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए जो मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए ना 2 negative number और 1 जो है नेचुरल नंबर लिया, क्योंकि उससे हमेशा मेरे पास जो है ट्रू होगा। कैसे, एक मैंने लिया 3, एक मैंने -2, -1। देखिए 3 less than equals to -2 square, मैंने बड़ा सोच के लिया क्योंकि मुझे पता 2 का square 4 हो जाना, नेगेटिव एडजस्ट हो जाना, यानी 3 less than equals to 4, 3, -2 belongs to R, लिया। अच्छा अब -2, -1 belongs to R, क्लियर कट है देखो, क्योंकि -1 का square, बट 3, -1 किसको चेक करना है, 3 less than equals to -1 square, 3 less than equals to 1 ट्रू है, ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे थे, बट जो है 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बात क्लियर हुई बेटा, देखा कि कैसे हमने वी हैव टू फाइंड। अच्छा ऐसे भी हो सकता है आपने जो एग्जांपल सोचा वहां पर ट्रू आ जाए, बट हमें नॉट के लिए, अगर आधो के लिए ट्रू है आधो के लिए नॉट ट्रू है, तो हम उसको नॉट ट्रू ही होते हैं। ट्रू का मतलब है इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल, तभी हम लिखवाते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, कोई भी ले, मतलब कोई भी एक सिंगल कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए जहां पर वो ट्रू ना हो। समझ आ गई ये बात, क्लियर। चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए वेरी इजी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक्स प्लस 5 वाला, लेट अस सी। हाँ जी, चेक वेदर दिस आर गिवन ऑन दिस सेट, ए बी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। चलिए बताइए पहले ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, जल्दी बताइए जल्दी। हाँ जी रिफ्लेक्सिव है, चलो चेक करें। अब मुझे समय अंक ने कहा कि मैम ये रिफ्लेक्सिव है, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहा था, अच्छा चलो मैंने कहा था y की जगह पे x पुट करना, y मतलब b, a इज इक्वल टू a प्लस 1, a कैंसल,
जीरो इज इक्वल टू वन, इज इट ट्रू? आप खुद सोचो ना, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए ए, तो यहां तुम ए पुट करो तो वो आंसर ट्रू होना चाहिए, पर यहां हो ही नहीं रहा, तो फिर कैसे ले सकते हो? अब जो है ट्रांजिट, पहले सिमेट्रिक बताओ, इज इट सिमेट्रिक? अगर मैं बी को ए की जगह लिख दूं, ए को बी की जगह लिख दूं, आपको नहीं पता चलता ना, अगर मैं फिर बता रही हूं, अगर मेरे पास ये गिवन था, मैंने बी की जगह ए, ए की जगह बी लिख दिया, ठीक है, मुझे पता है नो है, उसको समझा रही हूं, ठीक है, मैंने दोनों को माइनस किया, यहां आया बी माइनस ए, वन वन कट गया, ए माइनस बी, जब मैंने इनकी कटिंग की, इधर वन इधर माइनस वन बचा, क्या वन माइनस वन के इक्वल होता है? ट्रू ही नहीं है, ठीक है, अब सिमेट्रिक नहीं है, चेक कर लें, कोई भी एग्जांपल, वन टू टू थ्री, वन थ्री नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओके जी। अब ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ट्राई करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से, ठीक है जी, क्लियर बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर?